उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहां साल के 365 दिनों में से 250 से 300 दिन तक सूर्य चमकता है। इस लिहाज से यहां सौर ऊर्जा का बेहतर विकल्प है। इसके लिए ग्रिड के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने की भी बाध्यता नहीं होती है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा एक बेहतरीन विकल्प है और इसी सौर ऊर्जा का एक अहम जन उपयोगी हिस्सा है सोलर पंप। सही मायनों में पारंपरिक रूप से खेती करने वाले किसानों के लिए कृषि जगत में सौर ऊर्जा से चलने वाला ये सिंचाई यंत्र यानी सोलर सिंचाई पंप एक क्रांतिकारी खोज है जो आज प्रदेश की समाजवादी सरकार की नीतियों की बदौलत किसानों की जिंदगी में सुखद बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस संयंत्र में डीजल से चलने वाले पंपों की तुलना में संचालन और रखरखाव की बेहद कम आवश्यकता पड़ती है। सूर्य का प्रकाश जब इस संयंत्र के सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल पर पड़ता है तब सोलर मॉड्यूल में लगे सिलिकॉन सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा डीसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो मोटर पंप को संचालित करता है जिसके द्वारा जमीन से सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता है। सोलर पंप की विशेषताओं पर नजर डालें तो ये काफी लंबे समय तक चलने के कारण भी बेहद किफायती रहते हैं। इसके साथ ही ये संयंत्र अधिक विश्वसनीय है तथा पूरी तरह से वातावरण के अनुकूल भी है। इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। वर्तमान समय में जब विभिन्न संयंत्रों के इस्तेमाल के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है ऐसे में सोलर पंप इको फ्रेंडली होने के कारण और भी उपयोगी साबित हो रहे हैं। सोलर पंप उपयोग करने से आर्थिक बचत के साथ साथ उत्पादन लागत भी बेहद कम होती है। उथले कुएं से पानी पंप कर सिंचाई करने से सौर पंप से 500 लीटर डीजल प्रतिवर्ष बचाया जा सकता है। इसी तरह गहरे कुएं से समरसिबल पंप को सौर ऊर्जा से चलाकर लगभग 1500 लीटर डीजल प्रतिवर्ष की बचत की जा सकती है। सोलर पंपों की इसी खासियत और उपयोगिता को देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशन में प्रदेश में सोलर पंपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की ओर से इस पर अनुदान भी दिया जा रहा है और 75% तक की धनराशि किसान को अनुदान के तौर पर मिलती है। इस तरह से वो मात्र 25% धनराशि के खर्च पर सोलर पंप लगाने में सक्षम हो जाता है। मुझे सरकार द्वारा सोलर पंप मिला है, 75% सब्सिडी पे मिला हुआ है। इसमें हमको 68,748 रुपये देना पड़ा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे पहले जब हमारे पास सोलर पंप नहीं था तो इतनी लागत आती थी, इतना कास्ट था कि हम खेती हमारी घाटे की हुआ करती थी। एक साल पहले जब ये लगा सोलर पंप, डायरेक्टर एग्रीकल्चर गोंडा के द्वारा हमको दिया गया, बताया गया, जानकारी मिली। मैंने तो देखा नहीं था लेकिन लगवाया इसको, तो डीजल की खपत एकदम नहीं रह गई। इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं कि हमारी खेती अच्छी खासी हो जाती है। इंजन से बड़ी दिक्कत होती थी, सोलर प्लांट से हमको बहुत फायदा है। कृषि विभाग द्वारा अनुदान पे मिला हुआ है। सरकार के इस फैसले का अभी तक बड़ी संख्या में किसान लाभ ले चुके हैं। इसके साथ ही सोलर पंप लीज पर भी दिया जाता है जो काफी सस्ता पड़ता है। यदि सिंचाई नालीदार या थालेदार विधि से करनी हो तो सौर पंप तंत्र बेहद किफायती रहता है। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए इस सिंचाई विधि से और उथले कुएं के लिए सौर पंप तंत्र का वास्तविक मूल्य 2.2 लाख से 2.4 लाख होता है, जबकि लीज मूल्य पर 1.1 लाख से 1.2 लाख तक होता है। लीज 10 वर्षों के लिए होती है और उसके बाद पंप खरीददार का हो जाता है। सोलर पंप पर अनुदान के लिए किसी भी किसान के पास कम से कम 1 एकड़ या अधिकतम 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। किसान भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रमाणित पत्र पेश करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अहम बात है कि इस योजना के अंतर्गत सोलर पंपों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। सोलर पंप के रखरखाव की जिम्मेदारी किसान की होती है जिसे पूरा करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। किसान को सोलर पंप की स्थापना के लिए महज 4x6 इंच व्यास की बोरिंग स्वयं के खर्चे पर तैयार कराकर देना होगा। सोलर पंप के लिए 5 वर्ष की वारंटी होगी। आज प्रदेश के किसान जहां सोलर फोटोवोल्टेइक इरिगेशन पंप के इस्तेमाल को
बढ़ावा देने के लिए समाजवादी सरकार की नीतियों की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं। वहीं इन नीतियों की बदौलत सिंचाई के क्षेत्र में सोलर पंप महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है और प्रदेश के सभी स्थानों में बेहतर नतीजे दे रहा है। सिंचाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए ये सोलर पंप मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इन्हें डीसी सरफेस पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप और एसी सबमर्सिबल पंप कहते हैं। डीसी सरफेस पंप आमतौर पर कम गहराई वाले कुएं नदी तालाब के लिए उपयोग होता है। एसी सबमर्सिबल पंप गहरे कुएं ट्यूबवेल के लिए बेहतर रहता है। दोनों ही प्रकार के पंप प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक सफल साबित हुए हैं। सोलर पंपों की इसी अहमियत को समझते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में किसान हितैषी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वर्ष 2014-15 में 1350-1800 वॉट 2HP सरफेस सोलर फोटोवोल्टिक पंप, 3500-2200 वॉट 2HP सरफेस सोलर फोटोवोल्टिक पंप तथा 150-5000 वॉट 5HP सरफेस सोलर फोटोवोल्टिक पंप को मिलाकर कुल 5000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार के कुशल निर्देशन में इस लक्ष्य को पूरा करने के तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। अन्नदाताओं की जरूरत को समझते हुए प्रदेश सरकार के किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आज सोलर पंप के इस्तेमाल से ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत का उपयोग कृषि के सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिंचाई में हो रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनहितकारी सोच की बदौलत इस ऊर्जा का प्रयोग कर प्रदेश का किसान समृद्धि की ओर अग्रसर है। सबसे अहम बात है कि सोलर फोटोवोल्टेक इरिगेशन पंप के इस्तेमाल से किसानों को अब बिजली की ओर मुंह नहीं देखना पड़ता, वो प्रकृति के ही संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम हुआ है और साथ ही प्रदेश की कृषि स्वावलंबी और प्रदूषण रहित बनने की ओर अग्रसर है। हकीकत की जमीन पर कई कदम आगे उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व।